हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मॉम स्क्वाड। दोस्तों, पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा अनकंफर्टेबल रहे, चाहे वो कोई कपड़ा हो। तो कपड़ा भी हम देखते हैं कि बच्चे को सॉफ्ट लगे, बच्चे को चुभे ना, बच्चा डिसकंफर्ट ना हो उस चीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं वंजी की। वंजी के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और किस चीज़ ने मेरे बच्चे को डिसकंफर्ट दिया जब मैंने उसे वंजी पहनाई, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बिकॉज़ वंजी एक ऐसी चीज़ है, जब मैं आसपास देखती हूँ, पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए खरीदते ही हैं, चाहे एक ही खरीदते, बट वंजी एक ऐसी कॉमन चीज़ हो गई है जो हर पेरेंट के पास होती है। जब वो अपने बच्चे की शॉपिंग करते हैं, वो वंजी ज़रूर खरीदते हैं। तो इससे बच्चे को क्या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि अगर हम वंजी नहीं भी पहनाए अपने बच्चों को, अगर हम नॉर्मल पजामा या टी शर्ट पहनाते हैं अपने बच्चे को और हम उठाते हैं, अगर उठा के घूम रहे होते हैं बच्चों को, तो उनके कपड़े जो हैं ऊपर हो जाते हैं, पजामे भी ऊपर हो जाते हैं, हम बार बार नीचे करते हैं। और टी शर्ट या टॉप कुछ पहनाया तो वो भी ऊपर ऊपर होता है, जब हम बच्चे को गोद में लेते हैं तो ऊपर को खींचते हैं कपड़े। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, ये सबके साथ होता है। तो जब हम अपने बच्चे को वंजी पहनाते हैं और जब हम बच्चे को गोद में घुमाते हैं, तो वंजी में भी कपड़े तो ऊपर को होंगे, लेकिन वंजी एक ऐसी ड्रेस है जो पूरी अटैच्ड है, स्पेशली सॉक्स अटैच्ड होती हैं उसके अंदर, और पूरा का पूरा एक ड्रेस अटैच्ड ड्रेस है। जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरी बेटी की वंजी है, ये पूरी की पूरी अटैच्ड है, राइट। इसमें सॉक्स भी हैं और पूरी वन पीस है। जब हम इस कपड़े को बच्चे को पहनाते हैं और जब ये ऊंचा ऊंचा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से पैरों से बच्चे को वो वंजी टाइट होने लग जाती है, बच्चों के पैर यहाँ से दबने लग जाते हैं। चाहे बच्चे की वंजी बड़ी हो थोड़ी एक साइज़, या बच्चे को फिटेड हो उसी के नाप की हो, जब हम उठाएंगे तो कपड़ा ऊपर होगा ही। और इसमें क्या होगा कि यहाँ से आपके बच्चे के पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जब हम उसको उठाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा देना है कि जब भी आप अपने बच्चे को वंजी पहना रहे हो और अगर आप उसे गोद में घुमा रहे हो, आपको ये देखना है कि उसके पैरों पे प्रेशर तो नहीं आ रहा है, कहीं कपड़े से उसके पैर पे दबाव तो नहीं हो रहा है। बिकॉज बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती है, अगर उन पे ऐसे दबाव पड़ेगा तो ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, पैर की डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, राइट। उन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा इस चीज़ से। तो इस चीज़ का ध्यान आपको देना है जब भी आप अपने बच्चे को वंजी पहना रहे हैं। तो आप इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ में ये कर सकते हैं कि जब आप अपने बच्चे को उठाते हैं, तो जब आप उठाओगे तो जो फुटेड उसका सॉक्स वाला एरिया है वंजी का, वहां से आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे की तरफ खींच दो, लूज कर दो उसको, ताकि वो कपड़ा ऊंचा होके बच्चे के पैरों पे प्रेशर ना डाले। ये चीज का आपको ध्यान देना है जब भी आप अपने बच्चे को वंजी पहनाते हैं। या फिर आप विदाउट सॉक्स वाली वंजी ले सकते हो जिसमें सॉक्स अटैच नहीं है, आप अलग से बच्चे को सॉक्स पहना सकते हो। और इसी चीज़ का ध्यान आपको उन पजामाज में भी रखना है जिसमें सॉक्स अटैच्ड होती हैं, वैसे पजामाज भी आते हैं, तो उनमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों, एज पेरेंट्स हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमेशा कम्फर्टेबल रहे, उसके कहीं पर भी उसको दिक्कत ना आए, उसकी ग्रोथ में कोई इश्यू ना आए। तो ये वीडियो आप मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज एक बहुत छोटी सी ध्यान रखने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है अगर हम इस पर ध्यान ना दें। मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।